अब आप यहाँ से एडिट पे जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेट बैकवर्ड। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी स्टेप बैकवर्ड, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं एक बार जाएगी इमेज आपकी। अब आपने क्या किया, यहाँ से फिर से स्टेप बैकवर्ड पे क्लिक किया, यही नहीं थी अपन ने इससे पहले, देखिए हट गए। अब आपने यही एडिंग की थी इसमें, अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, स्टेप बाय स्टेप उसने पूरा बैकवर्ड कर दिया। अब वापस जाना है तो स्टेप फॉरवर्ड, देखिए आ गया। अब वापस अपन इस पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब कंट्रोल जेड क्या करता है, एक बार कंट्रोल जेड किया तो अंडो, फिर से कंट्रोल जेड करेंगे तो उसको वो रीडो कर देगा। लेकिन इसमें क्या अप्लाई करता है, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड से क्या हो जाएगा, स्टेप बैकवर्ड। ये आप यहाँ प्रेस करेंगे अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड, तो देखिए उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, पूरा चला गया। जैसे अपन अंडो करते हैं एम एस वर्ड में, अभी अपन ऐसे कर रहे थे कंट्रोल जेड से, इसमें उसने क्या अप्लाई किया, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड। अब वापस लाने के लिए क्या बता रहा हूँ, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड, आप यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो पूरा वापस आ जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो पूरा यहाँ पे रीडो हो जाएगा। डिफरेंस समझ में, एम एस वर्ड में सिर्फ कंट्रोल जेड कंट्रोल बाय करते हैं, इसमें कंट्रोल जेड से वो एक तो ही दो बार अप्लाई करेगा, और अगर आपको लाइन बाय लाइन करना है जिसका यूज करते हैं इन ऑप्शन में, क्लियर है। अब आप देखें ऊपर ऑप्शन क्या आ रहा है, अंडो स्टेट चेंजेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, इसमें ही क्या कर रहा है, जो आपने यहाँ पे अभी इसमें चेंजेस किया था उससे ही वो थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज कर रहा है, लेकिन अब डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, पहले आ रहा था जब आप यहाँ से कंट्रोल जेड, सॉरी नॉर्मल कंट्रोल जेड करते तब आ रहा था समझ में। अब आप इस पर क्लिक कर दिए, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है लेकिन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए अब क्या ऑप्शन हाईलाइट हुआ, मूव था, क्यों, क्योंकि हमने इस पिक्चर को थोड़ा सा मूव कर दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस किया, अब क्या ऑप्शन आने लगा है यहाँ पे अंडो मूव, क्लियर है क्यों, कर लेंगे इतने में कोई डाउट है। फिर इसके बाद अपन इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, कंट्रोल एन से न्यू पेज लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये टेस्ट टू सिलेक्ट किया, ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे कोई टेस्ट लिखी, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर, ये टाइप किया। अब आप यहाँ से एडिट पे जाइए, देखिए अभी आपके ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो, आपने क्या किया इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, अब आप जाइए देखिए आप ऑप्शन हाईलाइट हो रहा, ये फेड वाला ऑप्शन हम आपको बता देंगे अभी ये हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, कट और कॉपी वाला, क्योंकि अपन ने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, अब आपको इसे कट करना है तो आप कट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए अब ऑप्शन कौन सा हाईलाइट हो रहा है, पेस्ट वाला, पेस्ट करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, सिर्फ किसका हो रहा है, पेस्ट का, अपन ने एक बार कट किया था, अपन इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अपन एंटर करते हैं यहाँ पे, अपन इसको फिर से पेस्ट कर देते हैं, देखिए हो गया। अब अगर आप इसको कॉपी करते हैं, आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, आप यहाँ से एडिट पे जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, इस टाइप से यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो इसमें आप देखें नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी मर्ज, आ रहा है। अब जैसे कि आपने माना अपन ने तीनों का यहाँ से सिलेक्ट किया, तब भी ऑप्शन क्या आ रहा है, सिर्फ कॉपी का आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है, सिर्फ कॉपी का। अब जैसे आपने माना इसको नॉर्मल यहाँ रखा, अपन यहाँ से इसे फिर से टेस्ट टूल ले लेते हैं, अरे मुश्किल सिलेक्ट करते हैं, अब अपन इसमें टेक्स्ट टूल लेते हैं। अब आपने यहाँ पे लिख दिया विदिशा, टाइप किया, अब आपने क्या किया, नॉर्मल अपन ने यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, सिलेक्ट नहीं हो रहा। और अभी आप देख रहे हैं क्या सिलेक्ट किया उसने यहाँ पे, ये टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया उसने, क्या सिलेक्ट किया यहाँ पे, ऑल सिलेक्ट। अब आप एडिट पे जा रहे थे, ऑप्शन हाईलाइट हो रहा, अपन जब यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं तो वो क्या कर रहे थे, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ऑल सिलेक्ट कर रहा है, मतलब उसने पूरी टेक्स्ट तो सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे सिलेक्शन बताएगा पेज पे। अब आप एडिट पे जाएंगे, अब ऑप्शन क्या दे रहा है, कॉपी मर्ज, आपने कॉपी मर्ज पे क्लिक कर दिया। अब आपने कंट्रोल एन से न्यू पेज लिया, अब आपने यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, पेज का ऑप्शन आ रहा है, पेज कर दिया, पूरा का पूरा पेज हो गया। अगर अभी अपन यहाँ पे टेस्ट टूल सिलेक्ट रहने देते और हमने यहाँ पे लिख दिया तो टाइप कर दिया, और अगर अपन यहाँ पे फिर से टेस्ट टूल लेते हैं तभी दूसरा टाइप होता है, जब पहले आप मूव टूल सिलेक्ट करते हैं फिर टेस्ट टूल सिलेक्ट करते हैं फिर आप टाइप करते हैं। अगर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये सिलेक्ट होता है, नहीं होता, ये सब ऑप्शन जब अप्लाई होते हैं, जब आप चाहते हैं पूरी जितनी भी टेक्स्ट इस पे लिखी है सब साथ में कॉपी हो जाए, तब आप क्या करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज करते हैं, लेकिन ये तब सिलेक्ट होगा जब आप कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करेंगे, फिर आप इस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, पेस्ट इंटू, इस पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए उसने यहाँ पेस्ट कर दिया, पहले अपन यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं, इस टाइप से सिलेक्ट किया, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एन से न्यू पेज ले रहे हैं, अब आपका पेस्ट इंटू का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन इस पे आपका क्लिक करेंगे इस पे आपका पेस्ट इनटू का ऑप्शन आएगा। पेस्ट इनटू मतलब क्या है, जो अभी आपने इसमें वापस लिखा है उसको नहीं करेगा, जो इससे पहले आपने कॉपी किया था सिर्फ उसको करेगा, देखिए
अभी जो भी लिखा वो नहीं आया, सिर्फ क्या आया, आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर और यहाँ पे विदिशा। क्लियर है? इतने ऑप्शन कर लेंगे आप यहाँ पे, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लो, कर लेंगे आज इतना ही धंधा। आज ही के ऑप्शन एडिट के और हैं वो हम आपको कल बता देंगे, अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलिए, पूछना है किसी क्या? ये वाला ऑप्शन बता दें, इसका यूज रहता है जैसे कि आपने यहाँ पे कोई पिक्चर ओपन की, आपने ये पिक्चर ओपन की यहाँ पे, अभी आप देखिए आपका रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो, नहीं हो रहा। ये ऑप्शन तब हाईलाइट होता है जैसे आपने पिक्चर ओपन की, आपने इसमें कोई भी एडिटिंग यहाँ पे कर दी। अब आप यहाँ पे जितनी भी आपने इसमें एडिटिंग की है वो पूरी नॉर्मल हो जाए, जैसे माना आपने कोई पिक्चर ली, आपने उसमें आईज कलर, हेयर कलर सब कुछ चेंज कर दिया, पूरी फॉर्मेटिंग कर दी। अब आप चाहते हो जो भी आपने उस पिक्चर पे फॉर्मेटिंग की है वो आपकी पूरी नॉर्मल हो जाए, जो आपने फर्स्ट टाइम पिक्चर ओपन की थी सेम वैसी हो जाए। तो आप फाइल पे जाएंगे, आप देखिए रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप रिवर्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए नॉर्मल हो गया। या जैसे अभी अपन ने इसमें यहाँ पे ब्रश टूल लिया, आपने इसमें यहाँ पे एडिटिंग की, अब आपने इसमें पेंसिल टूल लिया, इससे भी अपन ने इसमें अप्लाई कर दी। अब आप देखेंगे जब फाइल पे जाएंगे रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिवर्ट पे क्लिक कर देना, पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में हट गई। रिवर्ट का यूज रहता है जब आप किसी पिक्चर में कोई भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और आप चाहते हैं पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ हट जाए, तब आप रिवर्ट का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये रहता है आईड्रॉपर टूल, इसका यूज करते हैं तो ये यहाँ पे सेम कलर बना के आपको दे देता है, जिस भी कलर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रहता है कलर सैंपल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ आपको कलर का सैंपल देगा, कलर बना के नहीं देगा। जैसे अपन ने ड्रेस पे क्लिक किया, सैंपल दे दिया उसने आपको यहाँ पे। अब आप जब यहाँ से कलर पे क्लिक करें, आप इसमें सैंपल डाल देना, जैसे आपने डाला 211, फिर 211 और फिर यहाँ पे 211, देन ओके कर देना। इस चीज फ्रॉक का कलर है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके लास्ट वाला रहता है वो रहता है मेजर, आपको जैसे मेजर वगैरह करना हो तब आप इसका यूज यहाँ पे कर लेते हैं। आपको यहाँ पे हाइट बता देगा, अगर आप सिर्फ गर्ल की लेना चाहते हैं इतनी चीज, आप इसकी सिलेक्ट करेंगे चेंज हो गई यहाँ पे हाइट, अगर पूरी सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वो चेंज कर देंगे। देखिए अब 4 आ रही, पहले 3 आ रही थी। अगर आप विथ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसकी विथ मेजर कर लेंगे, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतने का बता देगा। अभी हाइट कितने बता रहे हैं, 0.0 बता रहे हैं, क्योंकि अपन हाइट तो मेजर कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं विथ, और जब हाइट करेंगे तब विथ नहीं बताएगा। क्लियर? और कोई डाउट हो चल नहीं, इतने ऑप्शन आप अप्लाई कर लें।